आज की क्लास के लिए एक बॉल है, इस बॉल का मास m दिया है, उसे वर्टिकली अब प्रोजेक्ट किया गया। अनदर बॉल ऑफ मास m, 2m मास का है, उसे फेंका गया है थीटा एंगल बनाते हुए वर्टिकल के साथ। बोथ ऑफ देम स्टे हियर फॉर द सेम पीरियड ऑफ टाइम। व्हाट इज द रेशियो ऑफ हाइट अटेंड बाय द टू बॉल्स। क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है एक बॉल को फेंका गया है, एम मास का जो बॉल है उसे वर्टिकली अब फेंका गया, मतलब उसको परपेंडिकुलर फेंका गया। दूसरा जो फेंका गया है वो वर्टिकल के साथ थीटा एंगल बनाते हुए, ये समझने वाली बात है, वर्टिकल के साथ थीटा है, ठीक है। और कह रहा है दोनों सेम टाइम तक एयर में रहा, मतलब दोनों का टाइम ऑफ फ्लाइट सेम हो रहा है। पूछ रहा है दोनों के मैक्सिमम हाइट का रेशियो क्या है। सबसे पहला इस क्वेश्चन में हम एक फिगर बनाते हैं, इस फिगर को समझिएगा। फिगर क्या कहता है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है। तो सबसे पहली चीज क्या कह रहा है इसने कि एक बॉल को आपने फेंका है, ये बॉल की वेलोसिटी ऑफ यू वन मान फर्स्ट बॉल है। सेकेंड जो बॉल है इस बॉल के बारे में समझिए कि ये बॉल ये जो वर्टिकल है इस वर्टिकल के साथ थीटा एंगल बनाती है। ये जो हमारा वर्टिकल है इसके साथ ये थीटा एंगल बनाते हुए लग रहा है, ये हमारा वर्टिकल ये उत्तर कर गया। दूसरा जो है वो हमारा, ठीक है, ये थीटा एंगल और ये हमारा 90। सबसे पहले चर्चा हम आपको यहाँ क्लियर कर दें कि अगर आप बात करें थीटा वन के बारे में क्लियरली, थीटा वन ये जो है ये है 90 डिग्री और थीटा टू जो है वो है 90 डिग्री माइनस थीटा, क्योंकि आप एंगल ऑफ प्रोजेक्शन किसके साथ लेते हो, एक्स के साथ से, तो ये एंगल होगा आपका थीटा टू जिसके लिए एंगल होगा और ये वाला एंगल थीटा वन होगा जो 90 डिग्री आपका है। तो ये जो आपका फेंका गया यू वन है और ये यू टू है। क्वेश्चन में एक जानकारी है, वो जानकारी ये है कि ये दोनों इक्वल टाइम तक एयर में रहते हैं। कोई भी बॉल कोई भी प्रोजेक्टाइल कितने टाइम तक एयर में रहता है ये जानकारी किस चीज में होती है, जानकारी मिलती है उसके टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में। तो इस क्वेश्चन में हम टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में चीज लेकर चलेंगे। टाइम ऑफ फ्लाइट दोनों का सेम है और हमें सोचना होगा क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन में। कहो एज अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन टी वन इज इक्वल टू टी टू, तो क्या हो जाएगा, टू यू वन साइन थीटा वन बाई जी, याद है ना, टू यू साइन थीटा बाई जी फॉर्मूला था। और ये क्या हो जाएगा, टू यू टू साइन थीटा टू बाई जी होगा। तो जी जी कैंसिल हो जाएगा, टू टू कैंसिल हो जाएगा, यू वन थीटा वन आपका 90 डिग्री है और यू टू थीटा टू आपका 90 डिग्री माइनस थीटा है, कर दी। तो u1 इज इक्वल टू u2 टू कॉस थीटा का एक रिलेशन हमें मिल गया, एक रिलेशन मिल गया कि u1 और u2 के बीच में क्या रिलेशन हो सकता है। अब हमें बोल रहा है मैक्सिमम हाइट के बारे में, तो उसका रेशियो फाइंड आउट करना है। तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई टू जी, मतलब हम बोल सकते हैं एच वन इज इक्वल टू यू वन स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा वन बाई टू जी, मतलब यू वन स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 डिग्री बाई टू जी, मतलब हम कह सकते हैं एच वन इज इक्वल टू यू वन स्क्वायर बाई टू जी हो जाएगा यहां से।
अब ऐसे ही बोलता है S2 निकालने के लिए, तो हम S2 निकालेंगे सेम प्रोसेस से, एंड S2 निकालेंगे तो S2 क्या हो जाएगा, देखो यहां ध्यान से, ये हो जाएगा यू टू स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा बाई टू जी। मतलब S2 के बारे में बात करेंगे, ये हो जाएगा यू टू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू जी हो जाएगा। नाउ हमें रेशियो निकालने का है, किसका रेशियो, H1 वन बाय एस टू का रेशियो। हम क्या करेंगे, नाउ H1 वन बाय एस टू, एच वन कितना होगा U1 वन स्क्वायर बाई टू जी बाय U2 टू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू जी। टू जी टू जी कैंसिल हो जाएगा, देखो ध्यान से, तो क्या बचेगा, ये बचेगा यू वन स्क्वायर बाय यू टू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, सही है, एच वन बाय एस टू इज इक्वल टू, आप यू वन का वैल्यू यहां से उठा करके वहां प्रूव कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा यू टू कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे ये भी क्या था यू टू कॉस थीटा का होल स्क्वायर, मतलब ये वन बाय वन रेशियो आ गया। तो हम कह सकते हैं जिस रेशियो के बारे में बोला जा रहा था वो रेशियो हमारा वन इज टू वन। इस क्वेश्चन में सबसे बड़ी चीज क्या थी, सबसे बड़ी चीज का फिगर था, एक बॉल के बारे में बोला है आप उसको वर्टिकली अब प्रोजेक्ट किए हैं, और एक के बारे में कह रहा है कि वो वर्टिकल के साथ थीटा डिग्री बनाते हुए, ताकि दोनों के एंगल और प्रोजेक्शन को समझें पहले। फिर क्वेश्चन कह रहा है दोनों सेम टाइम तक एयर में रह रहा है, मतलब आपको टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो आपका इक्वल है, और उसके बाद आपको मैक्सिमम हाइट के रेशियो फाइंड करना है, ठीक है। क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है वेलोसिटी एट द मैक्सिमम हाइट ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इज हाफ इट्स इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन यू। समझिए बात, क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको कि मैक्सिमम हाइट पर जो वेलोसिटी है वह क्या है, हाफ है, किसका हाफ है, तो जो आपने फेंका था, जो आपका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन था आपने यू से फेंका और मैक्सिमम हाइट पर जाके वो यू बाई टू हो गया, तो कहता है इसका हॉरिजॉन्टल रेंज निकाल, यू फाइंड इट्स रेंज ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो सबसे पहली चर्चा आप फिगर देखिए, इसका इसका फिगर क्या हो सकता है, इसका फिगर जो मोशन को लेकर के होगा वो क्या होगा कि आपने एक प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया, कि प्रोजेक्टाइल उसी ए तक पहुंच गया, आपने इसे फेंका है u वेलोसिटी से, यह एंगल कितना है थीटा है, ये है मैक्सिमम हाइट, और ये चर्चा हम बार बार किए थे कि मैक्सिमम हाइट पर जो वेलोसिटी हो जाती है वो क्या हो जाती है, सिर्फ और सिर्फ u cos थीटा होती है, इसके जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वेलोसिटी के u cos थीटा वाले थ्रू आउट कॉन्स्टेंट रहते हैं, u sin थीटा में चेंजेस होता है, इस कारण से y के अलोंग एक्सेलरेशन होता है, x के अलोंग नहीं। तो मैक्सिमम हाइट पे हमारा y के अलोंग वाला वेलोसिटी जीरो हो जाता है और सिर्फ a वेलोसिटी रहती है u cos थीटा। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कि ये जो मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी जो है वो इनिशियल का क्या है, हाफ है, जो इनिशियली आप ले रहे हो u उसका वो हाफ है। मतलब अगर आप देखो तो क्या कॉस थीटा इक्वल टू वन बाई टू मिल रहा है, और कॉस थीटा वन बाई टू का मतलब कॉस 60 डिग्री, मतलब थीटा इक्वल टू 60 डिग्री होगा। ये थीटा निकालने के लिए और इंफॉर्मेशन था, अब हमें हॉरिजॉन्टल रेंज निकालना है, तो क्या है हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला, यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाय जी,
तो यू स्क्वायर को यू स्क्वायर होने दीजिए, ये क्या हो जाएगा 60 इंटू टू 120 डिग्री और बाय जी। तो क्या लिख सकते हैं आप, साइन 60 और साइन 120 दोनों सेम होता है, बताया था हमने, कितना होगा रूट 3/2, याद है ना। तो क्या हो जाएगा ये रूट 3 यू स्क्वायर बाय 2g, जिसका आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कह रहा है बॉडी इज प्रोजेक्टेड विथ एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 8i कैप प्लस 6j कैप मीटर पर सेकेंड, द हॉरिजॉन्टल रेंज इज, चूंकि मीटर आप लोग पढ़े हुए हैं और वेक्टर के डिस्कशन आप समझ सकते हैं, ये जो दिया है ना ये वेलोसिटी के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है और बड़ी जो रेंज निकालने में होता है। इस क्वेश्चन को देखिए ध्यान से, आपके क्वेश्चन क्या है और ऐसे क्वेश्चंस का मतलब क्या होता है, कैसे ये क्वेश्चन सफिशियंट है मात्र एक इंफॉर्मेशन से, ये समझना ज्यादा जरूरी है। एक दिया हुआ वेलोसिटी है, कोई इसका एंगल ऑफ डायरेक्शन होगा, इसे यू का इंफॉर्मेशन दिया है आपको, इवन U का इंफॉर्मेशन क्या दिया है, वो दिया है 8i कैप प्लस 6j कैप मीटर पर सेकेंड, ये दिया है इंफॉर्मेशन U का। अब क्या समझ रहे हैं, क्या क्या दिया हुआ है, U cos थीटा का भी वैल्यू दिया है ना, Ux का वैल्यू कितना है देखिए यहां ध्यान से, x एक्स का ही होता है ना, ये x का और ये y का होता है, और U में दोनों चीज है कॉस और साइन, कॉस का भी और साइन का भी, तो यू एक्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड, समझिएगा, और यू वाई क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड, हो जाएगा यू एक्स हमारा वो हो जाएगा और यू वाई हमारा ये हो जाएगा। तो हम यहां से सबसे पहला काम, हम मैग्नीट्यूड निकालना चाहें तो हम मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं, मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका हमने बताया था आपको मॉडुलस लगा करके, मॉडुलस का मतलब मैग्नीट्यूड और सिर्फ उसको आप यू भी लिख सकते हो, तो क्या हो जाएगा 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 64, ये हो जाएगा 36, 100 और 100 का मतलब 10 मीटर पर सेकेंड, इसका मैग्नीट्यूड मिल गया, ये पहला इंफॉर्मेशन मिला है आपको, क्या 10 मीटर पर सेकेंड हमें वेक्टर का क्या करते हैं, कोफिशिएंट को स्क्वायर करके स्क्वायर रूट से अंदर डाल देते हैं उसको, ये हमने वेक्टर बताया था लगातार, ये चर्चा चली थी। अब ये जो मिला है ना यू एक्स और यू वाई, था इसके बारे में सोचिए, सोचिएगा ये आपका वाई है वाई एक्सिस और ये है आपका एक्स एक्सिस और ये हो गया ऑलमोस्ट रेक्टेंगल जैसा, तो आप क्या लिख सकते हैं समझिएगा, एज वहां से ध्यान से 10 थीटा इज इक्वल टू यू वाई बाय यू एक्स होगा, वाई बाय एक्स यू वाई जितना से वो जा रहा है इतना से ये एक्स कह रहा हूं, ये बिल्कुल अलग तरह का क्वेश्चन है कि आप वेलोसिटी के ख्याल से एंगल जान सकते हैं, तो कितना हो जाएगा ये वैल्यू आप जानते हो, इसे मैं लिख रहा हूं, आप इसको अलग तरीके से भी लिख सकते थे, मैं वो दिखाता हूं आपको, जैसे सोप ने कहा यू वाई यू एक्स कहा ना, अब यू वाई को क्या लिखेंगे यू साइन थीटा और इसको क्या लिखेंगे यू कॉस थीटा, ठीक है, तो ये क्या आ रहा है 10 थीटा आ रहा है ना, आएगा 10 थीटा ये, और 10 थीटा कौन सा आया यू वाई वाई यू एक्स आया 10 थीटा, यही बात बोल रहे थे हम, तो ये क्या हो जाएगा यू वाई का वैल्यू कितना दिया हुआ है, ये 6 दिया हुआ है और ये 8 दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा 10 थीटा, उसको एक चीज और तोड़ सकते हैं 3/4 = 10 थीटा,
क्या है आपको स्पष्ट नहीं हो रहा है फिर यहां से, ये P हो गया और ये नीचे वाला B हो गया, तो H निकालेंगे तो क्या हो जाएगा अंडर स्क्वायर रूट में 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 16 9 25, तो 5 हो जाएगा। अब ऐसा मत करना कि 3 4 है तो 5 लिख दिए, 1 2 रहेगा तो 3 जरूरी नहीं है, ये तो सॉल्व करके आया है 5। अब फिर यहां जब हम पहुंच गए तो हम क्या कर सकते हैं, साइन थीटा निकालो, साइन थीटा वो क्या हो जाएगा पी बाय एच 3 बाय 5, कॉस थीटा क्या हो जाएगा 4 बाय 5 हो जाएगा। अब तुम क्या कर सकते हो, साइन मिल गया कॉस मिल गया, तो अब तुम हॉरिजॉन्टल रेंज निकालोगे। नाउ आर इक्वल टू यूएस बाय साइन 2 थीटा बाय जी, लिखेंगे ना इसको, ऐसा क्वेश्चन बताए थे, सब टर्म वहीं से समझ में आ जाएगा। तोड़ दिए इसको साइन 2 थीटा को, सही है, और इसके बाद वैल्यू पुट किए, ये 10 आया हुआ था यू का वैल्यू 2 sin थीटा, देखिएगा sin थीटा कितना आया आपका 3/5 आया है, तो 2 3/5 और cos थीटा का वैल्यू 4/5/10, तो 1 10 कैंसिल हो जाएगा, 1 10 बच जाएगा, ठीक है। और यहां क्या हो जाएगा देखिए, तो ऊपर में 24/25 होगा, और देखिए तो क्या लिख सकते हैं इसको, एक बार और ब्रेक कर दें हम लोग, हम तोड़े तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 2 जा, देखिए ध्यान से 10 × 24 और नीचे में 5, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 48/5, ये हो जाएगा आपका 9.6 मीटर, 9.6 मीटर इसका ऑप्शन जो है वो ऑप्शन सही है। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, एक वेलोसिटी का इंफॉर्मेशन है आई कैप और जे कैप, डायरेक्ट मांग रहा है हॉरिजॉन्टल लेंथ, जैसे आई और जे दे दिया ना, एक एक्स को वाई मिल गया, मतलब एक यू कॉस थीटा मिल गया और एक यू साइन थीटा मिल गया, दोनों को डिवाइड कर दो तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, साइन एंड कॉस का वैल्यू मिल जाएगा डिवाइड करने पे, और यू वेक्टर दिया हुआ है उसको तुम मॉडुलस में डाल के निकालो, मैग्नीट्यूड निकल गया, अब तुम यहां पुट कर दिए सब चीज, क्वेश्चन को पकड़ना होगा, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, बार बार देखिए बनाइए समझिए, समझ में आएगा सब चीज।